तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली भी हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 0.25% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 120 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 129 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 140 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 150-160 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 117 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 113 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 106 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।